हे गाइस, सो हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन पे। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कैसे आ गए। सो इसके पीछे एक स्टोरी है। ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। एक्चुअली हमारी बस कैंसिल हो गई है। सो इसकी इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था कल। तो लैंडस्लाइड की वजह से नॉट यहाँ लाइक महाराष्ट्र के बीच किसी रोड पे तो आया है लैंडस्लाइड आया। प्लस बोल रहे हैं कि कोई डैम खोल दिया गया है, सो फ्लड भी आया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रोड ब्लॉक हो गया है। एंड हैदराबाद टू गोकर्णा जो बस आती है वो नहीं आ पाई है। दैट हैज बीन ब्लॉक्ड, द रोड हैज बीन ब्लॉक्ड। इवन द बस व्हिच लेफ्ट द अर्लियर डे वो अभी भी फंसी हुई है, ऐसा हमें बस वाले ने बोला। एंड इट इज रेनिंग लाइक फिर से बारिश आ गई यहाँ पे। लकीली अभी हम शेड में बैठे हैं स्टेशन पे। तो अभी हमें बस से जाने का तो कोई रास्ता था नहीं, तो अभी हमें ट्रेन बुक करनी पड़ी। तो अभी हम बैंगलोर जा रहे हैं क्योंकि गोकर्णा से हैदराबाद की कोई भी एक भी ट्रेन नहीं है। तो वी हैव टू गो टू बैंगलोर फर्स्ट। बैंगलोर तक हमारी ओवरनाइट जर्नी है। राइट, कब पहुँचेंगे हम? कल सुबह 8 बजे हम बैंगलोर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर अभी टिकट बुक करनी है बैंगलोर टू हैदराबाद। हाँ, सो द थिंग इज जो जर्नी हमें 14-15 आवर्स में हो जा रही थी वो अब हमें लाइक 2 दिनों की बन गई है। लाइक वी वर हैविंग फूड एट दैट टाइम, वी वर हैविंग आवर लंच और उस टाइम फिर जब ये न्यूज़ सुनी, कॉल आई थी मेरे पास बस ऑपरेटर की। एंड आफ्टर दैट वी एक बार तो इसने बोला कि गोवा चलते हैं एंड फ्रॉम गोवा वी विल टेक फ्लाइट। बट मैंने बोला यार गोवा जाने का भी कोई रास्ता है या नहीं है पता नहीं। टेस्ट इज मैंडेटरी एंड हम यहां पे अपने लाइक आउट ऑफ स्टेट है। अगर हैदराबाद होता तो स्टिल वी कुड हैव मैनेज्ड। सो अनाउंसमेंट हैज बीन डन और वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। कोच का पोजीशन बताया गया है बट वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम बिकॉज हर बार इधर उधर ही लगती है। Out of Gokarna in the past 3 days for the first time. finally boarded the train. Yeah, and we'll reach Bangalore at 8 a.m. tomorrow, and let's hope everything goes in the right way. And we have to board, like the next train is at 1:30 tomorrow from SBC, so we hope the train is not delayed. नेक्स्ट डे लाइक 25th। तो अभी तक काफ़ी सारे हमारे प्लान्स मतलब इधर उधर हो चुके हैं। वी आर एट बैंगलोर सिटी जंक्शन नाउ एंड 8:30 बजे पहुँचे थे ट्रेन, हाफ एन आवर लेट हुई थी बस। एंड उसके बाद वेटिंग रूम में थोड़ा वेट किया, फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद अब यहाँ पे रेस्टोरेंट में यहाँ का जो फूड प्लाजा है यहाँ पे आके हम लोग डोसा और चाय लिया है हमने। वी हैव अ ट्रेन टू कैच एट 1:30 PM। उसके बाद नेक्स्ट डे हैदराबाद पहुँचेंगे। सो रात में पहुँचाएगी बेसिकली 1:50 पे ना, 1:50 पे वो हैदराबाद पहुँचाएगी। काचीगुड़ा स्टेशन काचीगुड़ा पहुँचाएगी, वहाँ से फिर हम घर भी जाना है। वी आर एट दिस एसी वेटिंग रूम राइट नाउ एंड अभी भी ऑलमोस्ट 2 घंटा बाकी है ट्रेन के आने में एंड कोई भी नहीं है यहाँ पे। वी आर द ओनली वन पर वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है ना, 1 बजे आएगी हमारी ट्रेन। वेटिंग रूम में चल रही है कोई बॉलीवुड मूवी बट अपन ये देख रहे हैं ब्रुकलिन। वी आर वाचिंग बिंज वाचिंग ब्रुकलिन 99 एक्चुअली। या सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ कैरिंग अ लैपटॉप और यहां पे वो चार्जिंग पॉइंट भी ऐसे लगाते हैं हम। हमारे पीछे ही चार्जिंग पॉइंट्स हैं तो वी आर चार्जिंग इट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एटलीस्ट ट्रेन में जाएंगे तो सब कुछ रेडी रहेगा, इससे वहाँ पे भी सॉकेट अवेलेबल रहता है। ट्रेन आ गया, ट्रेन में एक चीज़ की गारंटी है कि हम 12 में घर पहुँच जाएंगे। 1:30 बहुत ज़्यादा डिटूर हो गया लाइक जो हम प्लान करके आए थे, आए तो उसके अकॉर्डिंग बट जाने के टाइम सब कुछ उल्टा हो गया।
feel going back home? Relieved. Very relieved. So exhausted. So, we have finally boarded the train now. And हम लोग जब भी साथ में ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, वी ट्राई टू बुक दीज टू बर्थ्स, साइड लोअर एंड साइड अपर, बिकॉज थोड़ा प्राइवेसी रहता है. अदरवाइज वो केबिन वाले जो बर्थ्स होते हैं उनमें आके लोग बैठ जाते हैं. स्टिल बोर्डिंग द ट्रेन, अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है, बट मुझे तो रिलीफ है कि ये लास्ट ट्रेन है, बस जल्दी से जल्दी हो जाए और जर्नी ख़त्म हो जाए, फाइनली घर पहुँचे. Stocked up on snacks also, just need the dinner. और इस ट्रेन में पैंट्री कार चल रही है, सो पिछले वाले ट्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम था बिकॉज पैंट्री कार नहीं था. लकीली स्टेशन से वेंडर्स आ गए थे रात में, सो यस फाइनली रात में पहुँचेंगे, देन वी विल गिव यू एन अपडेट. समोसे तो पूरा केबिन हम लोग का है अभी, कोई भी नहीं है यहाँ पे. लाइक साइड अपर साइड लोअर पे भी हम लोग का वो बर्थ है, एंड इधर केबिन में कोई नहीं है. सो आराम से फैल के हम लोग बैठे हैं एंड वी आर हैविंग स्नैक्स. पहुँच जाएंगे रात तक हैदराबाद. हाँ ट्रेन टाइम भी है तो मिडनाइट के बाद तो उसकी पहुँच जाएंगे. फाइनली गॉट होम फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और अभी बजे हैं रात के 2:40, सो विल बी गोइंग टू स्लीप नाउ. एंड दिस विल बी ऑफिशियली द एंड ऑफ गोकर्णा सीरीज. होप यू एंजॉयड द एंटायर सीरीज, आपने हर एपिसोड को एंजॉय किया होगा और आपको व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे. प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ नॉट डन ऑलरेडी. प्लीज़ press the bell icon for more videos that we will update in the future like this. Stay safe, take care, and we'll see you later in some other vlog.